मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पूरे देश प्रदेश के साथ रीवा में भी युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन 12 जनवरी को यानी आज मनाया गया। एक ही समय में पूरे प्रदेश में एक ही आवाज में सूर्य नमस्कार किया गया। रीवा में रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर रीवा, एसपी रीवा ने सूर्य नमस्कार किया तमाम रीवा शहर के निवासियों छात्रों के साथ। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी पर सामूहिक सूर्य नमस्कार रीवा के मारतंड स्कूल क्रमांक 1 में रीवा विधायक, एसपी, कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी छात्रों की मौजूदगी में किया गया। पूरे प्रदेश के साथ रीवा में एक ही समय पर सूर्य नमस्कार। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक रिकॉर्डेड संदेश भी सुनाया गया। हम आपको बता दें, हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाए जाने के दौरान सूर्य नमस्कार भी किया जाता है एक ही समय में पूरे प्रदेश में। इस मौके पर पूरे प्रदेश में एक ही समय में सूर्य नमस्कार इस बार भी किया गया एक ही आवाज में, जिसके चलते रीवा में भी 12 जनवरी को प्रदेश के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा संस्थाएं, पंचायत और आश्रम शालाओं आदि में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में राष्ट्रगीत तथा मध्य प्रदेश गान के बाद सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम हुआ। कार्यक्रम में पूर्व की बात रेडियो से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रिकॉर्डेड संदेश का प्रसारण भी किया गया। सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में पूरे प्रदेश में एक साथ एक समय और एक संकेत पर आयोजित करने का तय किया गया था, जिसके चलते पूरे प्रदेश में एक ही समय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा में मारतंड क्रमांक 1 में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां पर रीवा विधायक, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन, जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे प्रदेश के साथ रीवा में एक ही समय में कार्यक्रम को आयोजित करवाया, सूर्य नमस्कार किया, प्राणायाम किया। इस बारे में हमने जब विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल से बात की तो उनने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, तो हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और युवा दिवस के रूप में मनाते हुए एक योगा सत्र, योग अभ्यास हम सभी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमें स्वस्थ रखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने सूर्य नमस्कार का जो आह्वान किया था, उनका कहना था कि जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ और मजबूत नहीं होगा, हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कभी भी सक्षम नहीं हो सकते हैं। और इसलिए आज के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का जो मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर आज सारे प्रदेश में स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आयोजन के अंतर्गत जो आज यहाँ पर आयोजन हुआ है, उस आयोजन पर उपस्थित हमारे रीवा के कलेक्टर आदरणीय मनोज पुष्प जी, एसपी नवनीत भसीन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार करने का जो आयोजन हुआ है, वो सिर्फ हमारे रीवा में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये सारी दुनिया में मोदी जी के आह्वान पर योग को सारी दुनिया के 126 देशों ने अंगीकार कर लिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए।
और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।